हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम रशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द न्यू बिल्डिंग ऑफ त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो मैं आपको इस सिटी के बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, कब एस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कौन से कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा एजुकेशन और कैंपस यूनिटी का सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो अगर आप रशिया में अफोर्डेबल फीस में एक अच्छी यूनिटी और एक टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते करते मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो बिल्कुल सिटी सेंटर में लोकेटेड है, और ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1936 में, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। और 1936 से ये एक्चुअली स्टेट मेडिकल सिटी है, तो एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि जनरल मेडिसिन, जैसे MBBS कोर्स, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, इसके अलावा PG कोर्सेज सभी होते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ओल्ड और काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ये रशिया की। और यूनिवर्सिटी में 50+ कंट्रीज से स्टूडेंट अपने MBBS की पढ़ाई करने आते हैं, अलग अलग कोर्सेज में भी आते हैं, इनफैक्ट PG करने भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज सिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेनली इंडिया से, इसके अलावा श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और भी काफ़ी सारे कंट्रीज से, जैसे मैंने आपको बताया, फिट्रीज से स्टूडेंट्स अपनी त्वेर सिटी में अपनी पढ़ाई करने आते हैं फॉर द मेडिसिन कोर्स। मेन रीजन से यही है, अफोर्डेबल फीस, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है रशिया की। इसके अलावा मॉस्को सिटी की काफ़ी नज़दीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है सिटी के अंदर। इसके अलावा हॉस्पिटल वाइज और क्लिनिकल एक्सपोजर वाइज भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी का। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो फीस है इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स की, तो इस साल की जो फीस है वो है 282,000 रूबल्स पर ईयर। आप फीस सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो, ईयरली भी पे कर सकते हो। इसके अलावा हॉस्टल फीस है, तो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक फॉर योर कंफर्टेबल स्टे, और सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल के अंदर अवेलेबल रहती है, लाइक सेपरेट रूम फॉर किचन, वॉशरूम, बाथरूम, इसके अलावा कबर्ड और रेगुलर बेड, इसके अलावा बेडशीट्स भी जो है वो भी रेगुलर चेंज होती है। बेसिकली सारी फैसिलिटीज जो हॉस्टल में होनी चाहिए वो रहती है, ताकि आप एक कम्फर्टेबल आप कम्फर्टेबली वहाँ पे रह सको। इसके अलावा हॉस्टल्स के पास में जो ग्रोसरी शॉप होती है डे टू डे नीड के लिए, वो भी अवेलेबल है। तो हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं यूनिवर्सिटी के, और काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल सीट मिल जाती है, और आपको बाहर कोई प्राइवेट अकोमोडेशन या फिर अपार्टमेंट में रहने की नीड नहीं पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी वाइज, हॉस्टल वाइज काफ़ी अच्छा है, और टोटल जो बजट आता है इसमें फीस का टोटल 6 ईयर्स का, वो 19-20 लाख आपका रहेगा, प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन मिला के ये तकरीबन 26-27 लाख तक जाएगा। हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें हमने सारे एक्सपेंसेस मेंशन किए हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है त्वेर सिटी में, सो त्वेर सिटी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और सिटी अगर आप देखोगे, हमने आपको थोड़ा दिखाया था सिटी में, कुछ और वीडियोज़ भी हमने बनाई थी, तो आप देखोगे काफ़ी अच्छे से जो हिस्ट्री है सिटी की, काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रिजर्व की है अपनी हिस्ट्री, और काफ़ी रिच कल्चर है सिटी में। अगर हम बात करें त्वेर स्टेट मेडिकल सिटी की हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जो है, तो जब रशिया में ऐसा टाइम भी था एक जब यहाँ पे सिर्फ रशियन मीडियम कोर्स होता था, अनलाइक 2000 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स आते थे इंडिया से वो सिर्फ रशियन मीडियम में पढ़ते थे, नॉट जस्ट हेयर, हर सिटी में जो है रशियन मीडियम में ही कोर्स होता था। तो उस टाइम पे भी जो है स्टूडेंट्स इंडिया से त्वेर स्टेट मेडिकल सिटी में पढ़ने आते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब काफ़ी स्टूडेंट्स आने लग गए, उसके बाद वहाँ पे बायलिंगुअल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मतलब पहले 3 साल इंग्लिश, फिर 3 साल रशियन, उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपकी पूरी पढ़ाई होती है पिछले काफ़ी सालों से, तो पूरा आपका कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स है यूनिवर्सिटी में, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स है जो कि एक्वेंटेड है इंडियन स्टूडेंट के साथ, इंडिया में जो स्टडीज़ होती है उसके साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स अपने MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी डिग्री लेके यहाँ से जा चुके हैं, अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन मैनी अदर कंट्रीज एज वेल, तो काफ़ी सक्सेसफुल एलुमनाइज है यूनिवर्सिटी में। ना अगर हम बात करते हैं सिटी में एजुकेशन के मामले में और क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखते हैं अफोर्डेबल फीस, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फ़ीस अगर कम है और तो उसमें एजुकेशन क्वालिटी कम हो सकती है,
लेकिन ट्वेयर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीस जो है काफ़ी अफोर्डेबल के होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स है। इवन जो आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होती है उस टाइम आपको जो डॉक्टर्स टीच करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छी पोजिशंस पे है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है यूनिवर्सिटी की। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्सपोजर के बारे में, तो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि जो हॉस्पिटल्स है त्वेर और ब्लास्ट में, तो जितने भी हॉस्पिटल्स है सारे यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, उन सभी में आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होती है। डिपेंडिंग ऑन किस सब्जेक्ट के आपकी साइकिल चल रही है, तो वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन होती है, वहाँ से उसके साइकिल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पेशेंट से बातचीत करते हो और पेशेंट केस हिस्ट्री लेते हो, तो वो सब होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ट्रैवलिंग की वीडियो बनाई थी, तो मैंने वहाँ पे शो भी किया था कि मॉस्को के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से काफ़ी पॉपुलेशन जो है मॉस्को में जो रहती है, लाइक वो त्वेर में रहती है और मॉस्को में वर्क करते हैं, क्योंकि त्वेर में रहना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा कम आती है, तो अफोर्डेबल फीस में आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। और इसी रीज़न की वजह से इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा बैचेस पास आउट हो चुके हैं। जब पहले रशियन में पढ़ाया जाता था तब भी बच्चे यहाँ पे आते थे, और इनफैक्ट बाकी कंट्री से आते हैं, लाइक मोर देन 50+ कंट्रीज़, और अभी भी जो है स्टूडेंट्स की काफ़ी प्रेफर्ड चॉइस है त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो करियर के एस्पेक्ट में भी, इसके अलावा एजुकेशन के एस्पेक्ट में भी, अगर आपको लेट से फ्यूचर में प्रैक्टिस करना है, फिर पीजी करना है, तो पीजी भी आप कर सकते हो अगर आपको अब्रॉड में ही सेटल होना है, क्योंकि अभी एमबीबीएस की डिग्री वैलिड है रशिया की, पीजी की डिग्री वैलिड नहीं है रशिया से इंडिया में, लेकिन बाहर कंट्रीज में वैलिड है। इसके अलावा अगर सपोज आप रशिया में सेटल होना चाहते हो, तो मॉस्को काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, क्योंकि जो करियर है अपॉर्चुनिटीज़ है मॉस्को में प्राइवेट सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके अलावा क्योंकि मॉस्को में एम्बेसी भी है, तो आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कंसर्न है, तो वो भी आपको काफ़ी ईजिली क्लियर हो जाता है, क्योंकि सब कुछ जो है नज़दीक है, क्योंकि मॉस्को यहाँ से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेन ले सकते हो, बसेस भी रेगुलरली जाती है, तो आप अराउंड 1.5 आवर्स में यहाँ से मॉस्को पहुँच जाओगे। कोई भी जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी के बीच में, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज होती है अलग अलग सिटीज़ के साथ, तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको काफ़ी ईजी होगा ट्रैवलिंग में और आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो अफोर्डेबल फीस, अच्छी एजुकेशन, बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर, इसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में। तो ये टॉप 5 रीजंस है जिसकी वजह से हर साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं फॉर देयर मेडिकल स्टडीज़, नॉट जस्ट फॉर द MBBS, इसके अलावा और भी जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अलावा PG कोर्सेज के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से PG करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें 2 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा रशिया की और टॉप मेडिकल सिटीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको रशिया की टॉप मेडिकल सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप हमें फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो और रशिया की टॉप मेडिकल सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।